तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज हम चर्चा करने वाले हैं सिलेबस पर छात्रा और शिक्षक भर्ती 2023 जो सीजी व्यापम के द्वारा जारी की गई थी। और चलिए हम और डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट थिंग्स देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है 18 मई 2023 को, अंतिम तिथि है आपका 11 जून 2023, डबल टू हो गए यहाँ पर। त्रुटि सुधार है 12 जून से लेकर 14 जून तक, और त्रुटि सुधार का आज सहायक शिक्षक का जो है ना लास्ट डे है, ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए अगर आपने उसमें डाला है तो। मूल्यांकन पद्धति होना है, ऋणात्मक मूल्यांकन होना है, एक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटे जाएंगे, अर्थात 4 गलत उत्तर पर 1 अंक काटे जाने हैं। पुनर्गणना का प्रावधान नहीं है। कुल पदों की संख्या है 54, पदों की संख्या परिवर्तनीय है, याद रखिए। वेटिंग लिस्ट एक साल के लिए मान्य रहता है और वहीं से बहुत सारे लोग जो है सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए कि पदों की संख्या यहाँ परिवर्तनीय है। कम पद है करके नहीं डालेंगे ऐसा मत सोचिएगा। सेवा श्रेणी है, तृतीय श्रेणी है, वेतन लेवल 6 है, 25,300 से 80,500। आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष, जिसमें विभिन्न प्रकार के आयु सीमा में छूट मिलती है वो छत्तीसगढ़ शासन के अनुसार। और इसके बारे में अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक में मैं दे दूंगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख लीजिएगा वहाँ पर। चयन प्रक्रिया क्या है, तो चयन प्रक्रिया होगा प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों से। तो सिलेबस कैसा है देख लीजिए, सिलेबस कुछ इस तरह से है। कंप्यूटर जनरल नॉलेज है 50 अंक का, मैथमेटिक्स है 25 अंक का, जनरल नॉलेज है 25 अंक का, फिजिकल एजुकेशन है 50 अंक का, टोटल मार्क्स है 150 में भी। ये जानकारी नेट से मैंने प्राप्त की है, और छात्र और अधीक्षक का 150 का ही होता है, बाकी ये 100 अंक का भी हो सकता है, लेकिन अवश्यंभावी है कि ये 150 का ही हो। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, भाग एक कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या चीज़ें जो हैं, तो कंप्यूटर बेसिक चीज़ें हैं, हाई फाई चीज़ें नहीं हैं। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग, प्रमुख भाग, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर के प्रकार, कमर्शियल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन के उपयोग, इंटरनेट के उपयोग, इंटरनेट क्या है, एंटीवायरस क्या है, किस प्रकार से होता है, उपयोग प्रकार, उदाहरण मल्टीमीडिया के बारे में सामान्य जानकारी, विभिन्न प्रकार के डिस्क, मतलब ये कंप्यूटर का बेसिक परिचय है और कुछ नहीं है। कंप्यूटर प्रश्नावली की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में कंप्यूटर प्रश्नावली एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर आप अपना चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाग दो है गणित, गणित में देखिए महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, अनुप्रयोग, इनके अनुप्रयोग क्या हैं, औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी, सामान्य ब्याज, लाभ हानि, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशतता रेखा तथा कोण, समतलीय आकृतियां, ठोस के भाग। ये बिल्कुल 10वीं कक्षा का स्तर का गणित है। गणित की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में हैं गणित की पाठशाला, वहाँ से आपको कुछ जो है मटेरियल मिल जाएगा। लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल आयतन, किसके लंबाई चौड़ाई आयतन, तो जितनी ही समतलीय आकृतियाँ हैं उनकी, इसमें बेलन, शंकु, गोला, ये सभी आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या है देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, विकास एवं इतिहास, लोकल भाषा का साहित्य और प्रमुख साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी व्याकरण, शब्द साधन, व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम और देश विदेश, खेलकूद, ये इसमें शामिल है। और चौथा है फिजिकल एजुकेशन, ये जो चौथा पार्ट से है ये आपने जो डिप्लोमा किया है पीटी पर, फिजिकल एजुकेशन पर, उस पर पूरा बेस्ड है, और पूरा इसका जो सिलेबस है उसी पर बेस्ड है। देखिए, प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एशियन गेम्स, फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, साई, एज डेट, स्कूल गेम्स, बायोलॉजिकल फाउंडेशन एंड ट्रेनिंग मेथड्स, योगा मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ योगा, एट लिम्स ऑफ योगा, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारण, फिजिकल एजुकेशन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेथड्स, प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, क्लास मैनेजमेंट, रूल्स ऑफ गेम्स इन स्पोर्ट्स, ट्रैक एंड फील्ड लेआउट ऑफ स्टैंडर्ड ट्रैक, अर्थात जितने भी खेल कूद के बारे में, अपने कौन सा खेल है, कितने
लोगों का होता है, उसका माप क्या होता है, लंबाई चौड़ाई क्या होता है मैदान का, ये सभी आपको जानना है। जैसे जोनेल है, भाला फेंक है, शॉट है, पुट है, डिस्कस, हैमर थ्रो, गोला फेंक, ट्रिपल जंप, ऊंची कूद, लंबी कूद, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्स एथलेटिक इक्विपमेंट, जितने भी जो एथलेटिक इक्विपमेंट है वो कितनी वजन का होता है, कितना लंबाई चौड़ाई व्यास रहता है, इन सब चीज़ के बारे में आपको जो है पढ़ना है। तो दोस्तों मुख्य रूप से इस परीक्षा में आपको 10वीं कक्षा के स्तर तक का गणित पढ़ना है, सामान्य ज्ञान आपको छत्तीसगढ़ और भारत दोनों का बेसिक रहेगा, बाकी कहें गणित जो है वो आप मैंने बता ही दिया है, गणित जो है कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी है। आप जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से तैयारी कीजिए, कुछ वीडियो जो है मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे, 60 वर्ड्स तैयारी कीजिए, फुल फॉर्म तैयारी कीजिए और साथ में आपका जो विषय है पीटी उस पर तैयारी कीजिए, आप आराम से इस परीक्षा को निकाल लेंगे। और किसी चीज़ में आपको समस्या है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी और को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।